Hello students, today we will continue the same chapter electricity. ठीक है, ये सेवेंथ पार्ट है इस चैप्टर का. ठीक है, इस विच इदू पहला आप कर चुके हैं रजिस्टर बारे पोटेंशियल डिफरेंस सारा पढ़े है. ठीक है, रजिस्टर्स इन सीरीज इन पैरेलल सर्किट वो सारा पढ़ लिया. ठीक है, अज आप हूँ आप पढ़ांगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है, ये पढ़ना आप. ये देखो हीटिंग इफेक्ट की है, जो आप कोई भी आप डेली लाइफ के आप देखते हैं हीटिंग इफेक्ट. ठीक है, जो आप मोबाइल काफ़ी टाइम तक चलाने हैं. ठीक है, जब काफ़ी टाइम तक मोबाइल में चार्ज करते हैं. ठीक है, तो उस तो बाद आप देखते हैं अपने मोबाइल की गर्म होंगे. ठीक है, वो गर्म क्यों होंगे, ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट करके गर्म होंगे. ठीक है, जहाँ आप फैन देखते हैं, फैन आप कंटीन्यूअसली लॉन्ग टाइम ले, ठीक है, थोड़ा टाइम ज़्यादा ले कि आप चलाने रहने. ठीक है, थोड़े टाइम बाद देखा तो वो की है, उन्होंने हाथ लगा के देखा तो गर्म होगा. ये भी क्यों होगा, ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट. ठीक है, जब आप बल्ब नू देखते हैं तो बल्ब जो ऑन करते हैं, ठीक है, काफ़ी टाइम बाद जो आप बल्ब नू टच करके देखेंगे वो गर्म होंगे, वो भी क्यों होंगे, ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट करके. ठीक है, ये सारा आप पढ़ांगे कि हीटिंग इफेक्ट की होंगे तो क्यों होंगे. ठीक है, वी नो दैट अ बैटरी और अ सैल इज़ अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ठीक है, आपां नू पता है जिहड़ी बैटरी है जां सैल है. ठीक है, सैल दे विच की हुंदी है, कैमिकल एनर्जी हुंदी है. ठीक है, सैल दे विच की है कैमिकल एनर्जी. कैमिकल एनर्जी नू की करदा, वो कैमिकल एनर्जी नू कन्वर्ट करदा इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे विच. ठीक है, आपां नू पता सैल दे विच की है कैमिकल्स हुंदे, कैमिकल्स दे विच रिएक्शन हुंदी है, वो की करदे पोटेंशियल जनरेट करदे. वो पोटेंशियल जिहड़ा वो की इलेक्ट्रॉन्स दे मोशन नू सैट करदा, ते उस इलेक्ट्रॉन्स दे मोशन करके की है उत्थे इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हुंदा. ठीक है, इस तरह की है कैमिकल एनर्जी जिहड़ी इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे विच चेंज हुंदी है. ठीक है, ये इत्थे लिखा हुआ है वी नो दैट अ बैटरी और अ सैल इज़ अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. सैल है जिहड़ा सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, सैल है जिहड़ा प्रोड्यूस करदा इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ठीक है, द कैमिकल रिएक्शन विद इन अ सैल जनरेट द पोटेंशियल डिफरेंस. आपां पहले पढ़ चुके हैं कि कैमिकल रिएक्शन जिहड़ी सैल दे विच हुंदी है वो जनरेट करती है पोटेंशियल डिफरेंस नू बिटवीन इट्स टू टर्मिनल. देखो आ सैल है, सैल दे दो टर्मिनल्स दे उत्ते की पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुंदा है. दैट सैट्स द इलैक्ट्रॉन इन अ मोशन. वो की है इलैक्ट्रॉन्स नू मोशन दे विच सैट करती है. फिर उत्थे की है टू फ्लो द करंट थ्रू द रजिस्टर. फिर उत्थे की करंट फ्लो हुंदा थ्रू द रजिस्टर और अ सिस्टम ऑफ रजिस्टर्स कनैक्टिड टू द बैटरी. इस तरह की करंट प्रोड्यूस हुंदा. ठीक है, किवें सैल है, सैल दे विच कैमिकल रिएक्शन हुंदी है, वो कैमिकल रिएक्शन की करती है पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करती है. पोटेंशियल डिफरेंस की करता है इलैक्ट्रॉन्स नू मूव करवाउंदा. ठीक है, उन्हां दा मोशन सैट करता है, तो उस इलैक्ट्रॉन्स दे मोशन करके कि इलैक्ट्रिक करंट है जिहड़ा जनरेट हुंदा थ्रू द रजिस्टर. रजिस्टर दे विच इलैक्ट्रिक करंट की है प्रोड्यूस हुंदा. ठीक है, वी हैव ऑलसो सीन इन सैक्शन 12.2, आप उत्थे पढ़ चुके हैं. ठीक है, दैट टू मेनटेन द करंट द source has to keep expanding its energy. ठीक है, इस करंट नू मेनटेन करन दे लई जिहड़ा सैल आ उह की अपनी एनर्जी नू की करदा एक्सपैंड करदा रहिंदा. ठीक है, इनक्रीज़ कर देंगे. वेयर डज दिस एनर्जी गो. हूँ ये एनर्जी है जी कितने जाती है, हम आपको पता चल गया कि इलैक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होगी. ठीक है, उत्थे हूँ ये इलैक्ट्रिकल एनर्जी है जी की कितने जाती है. अ पार्ट ऑफ सोर्स एनर्जी इज मेनटेनिंग इन मेनटेनिंग द करंट मे बी कंज्यूम इन टू यूजफुल वर्क. कुछ जी इलैक्ट्रिकल एनर्जी है वो की करती है, जिमें हम आपको पता है यूजफुल वर्क कि इलैक्ट्रिक करंट नू प्रोड्यूस करन दे लई यूज हो जाती है. ठीक है, अ पार्ट ऑफ सोर्स एनर्जी इन मेनटेनिंग द करंट, करंट नू मेनटेन करन दे विच लग जाती है. मे बी कंज्यूम्ड इन टू द सो, मे बी कंज्यूम्ड इन यूजफुल वर्क, जिमें लाइक इन रोटेटिंग द ब्लेड्स ऑफ द इलैक्ट्रिकल फैन. हूँ इलैक्ट्रिकल फैन दे विच की इलैक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस हुई, हूँ कुछ जिहड़ी एनर्जी है वह की करती है यूजफुल एनर्जी दे विच की है कंज्यूम हो जाती है. किवें, जिमें हूँ फैन है, फैन नू की है घुमाउण दे रोटेट करन दे विच की है यूजफुल वर्क दे विच की होगी स्पेंड होगी. ठीक है, रेस्ट ऑफ सोर्स एनर्जी मे बी एक्सपेंडेड इन द हीट. हूँ जिहड़ी हीट बच गई, जिहड़ी हीट की है बची. ठीक है, रेस्ट ऑफ हीट जिहड़ी बची वो की करती है, वो हीट नू प्रोड्यूस करती है. ठीक है, वो कित्थे कंज्यूम हो जाती है,
इन द फॉर्म ऑफ हीट, हीट द फॉर्म दे विच की हो एक्सपेंड हो जाती है, ठीक है, टू रेज द टेंपरेचर ऑफ द गैजेट। फिर वो की करती है, जो हीट दे विच कन्वर्ट हो जाती है तो जड़ा गैजेट आ उहदे की है टेंपरेचर इनक्रीज कर देती है। इसलिए जो आप उस गैजेट नू हाथ लगाने हैं तो आपू कि उत्थे हीट महसूस होंगी है, फील होंगी है, ठीक है, हीट फील होंगी है, ठीक है, इस करके होंगी है, ठीक है। दैन की है, वी ऑफन ऑबजर्व दिस इन आर एवरी डे लाइफ। हूँ आप डेली लाइफ के सब की ऑबजर्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन इलैक्ट्रिकल फैन बिकम्स वॉर्म इफ यूज कंटिन्यूस फॉर द लोंगर टाइम। यही आप दसिया कि इलैक्ट्रिकल फैन है जो कुछ टाइम बाद की गर्म हो जाता है, जो आप कंटिन्यूसली यूज करते रहिए, ठीक है, फिर उन्होंने थोड़ी देर बाद देखा तो गर्म हो जाता, क्यों, क्योंकि जी जो इलैक्ट्रिकल एनर्जी उत्थे की जनरेट हुई, उस इलैक्ट्रिकल एनर्जी से कुछ इलैक्ट्रिकल एनर्जी तो की करंट प्रोड्यूस करती है, ठीक है, करंट नू मेनटेन करन दे लई उस डिवाइस नू की है काम करन दी यूजफुल वर्क डन दे विच लग गई, जिहड़ी कुछ एनर्जी बची उन्हें की किया वह की करती है हीट जनरेट करती है, ठीक है, इसलिए अपन उत्थे की है वह गर्म ज हॉट महसूस होंगे, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड, इफ द इलैक्ट्रिकल सर्किट इज़ प्योरली रेजिस्टिव, that is configuration of a resistors only connected to a battery, the source energy continually gets dissipated entire in the form of heat. दूसरे पासे की हुंदा है जिहड़ी इलैक्ट्रिकल इलैक्ट्रिक सर्किट है प्योरली रजिस्टिव है, ठीक है, मतलब वो प्योरली उहदे विच की रजिस्टर्स ही लगे हुए हैं, ठीक है, दैट इज एक कॉन्फिगेशन ऑफ अ रजिस्टर्स ओनली कनैक्टड टू द बैटरी। हुण देखो आ की बैटरी है, ठीक है, बैटरी है, बैटरी दे नाल की है सिर्फ रजिस्टर लग्या होया, ठीक है, इत्थे की है प्लग की है, ठीक है, हुण इत्थे की है पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होया ते उहने की इलैक्ट्रॉन्स नू की है मूव करन दा मोशन सैट करता इलैक्ट्रॉन्स दा, ठीक है, हुण इत्थे की है कंटीन्यूअसली करंट प्रोड्यूस हो रहा, हुण इस रजिस्टेंस नू ओवरकम करन दे लई, ठीक है, इस रजिस्टेंस नू हुण प्योरली रजिस्टिव है, इत्थे रजिस्टेंस हो रही है, रजिस्टेंस का मतलब की सी टू रजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस, जिहड़े फ्लो ऑफ चार्जेस ने उन्हां दा की कर रही है उन्होंने रुकावट पैदा कर रही है, हुण इस रुकावट नू ओवरकम करन दे लई ओह की करदे इलैक्ट्रॉन्स ने जिहड़े ओह की करदे जदों उन्हां दा आपस दे विच की इत्थे रजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो इलैक्ट्रॉन्स ने जिहड़े आपस दे विच की कोलिजन करदे, कोलिजन करके वह एनर्जी है जिहड़ी ओह की है एनर्जी है जिहड़ी की करदे आ सोर्स एनर्जी कंटिन्यू गैट डिसिपेटड, इसलिए जिहड़ी सोर्स एनर्जी है वह की है हीट एनर्जी दे विच कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, यही दिता हुआ देखो ये। ऑन द अदर हैंड, इफ द इलैक्ट्रिक सर्किट इज़ प्योरली रजिस्टिव, हम इतने सिर्फ की है रजिस्टेंस रजिस्टिव है, ठीक है, इतने सिर्फ रजिस्टेंस लगी हुई है तो यह रजिस्टेंस है जी डायरेक्टली कनैक्ट है कि बैटरी के नाल, ठीक है, द सोर्स एनर्जी कंटिन्यूली हूँ इतने की है हूँ इतने करंट की है कंटिन्यूसली प्रोड्यूस हो रहा, ठीक है, बट इत्थे की है रजिस्टेंस है जिहड़ी है फ्लो ऑफ चार्जेस नू की कर रही है रजिस्ट कर रही है, इन्हां दे विच की रुकावट पैदा कर रही है, ठीक है, इस रजिस्टेंस नू ओवरकम करन दे लई इत्थे जिहड़ी सोर्स ऑफ एनर्जी है वह की करती है हीट जनरेट करती है, ठीक है, हीट डिसिपेट मीनस उस सर्किट दे विच हीट की है बाहर रिलीज़ हो रही है, डिसिपेट का मतलब की है रिलीज़ होना हीट का, ठीक है, तो उस इफेक्ट नू आपां की कहने दिस इज़ नोन एज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलैक्ट्रिक सर्किट, ठीक है, इस नू आपां की कहने हीट इत्थे जिहड़ी हीट डिसिपेट हो रही है उसे नू आपां की कहने हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलैक्ट्रिक सर्किट, ठीक है, दिस इफेक्ट इज़ यूटिलाइज्ड इन डिवाइसेस सच एज इलैक्ट्रिक हीटर एंड द इलैक्ट्रिक आयरन। देखो कुछ डिवाइस तो यह जे है जिवें हुण आपां बल्ब है, बल्ब दे विच हीट प्रोड्यूस हो रही है वो अपने लिए यूजफुल तो नहीं हैगी, ठीक है, जब मोबाइल है मोबाइल दे विच हीट जनरेट हो रही है कि वो अपने लिए यूजफुल है, नहीं वो अपने लिए यूजफुल नहीं हैगी, बट कुछ ऐसे जे इलैक्ट्रिकल अपलाइंसिज है जिथे आपां नूं हीट की है यूजफुल है जिहड़ी उस हीट नूं आपां उस इफेक्ट नूं आपां यूटिलाइज कर सकते हैं, किवें, जिवें इलैक्ट्रिकल हीटर हो गया, ठीक है, जां इलैक्ट्रिक आयन प्रेस वगैरह होगी, ठीक है, इत्थे आपां उस हीट नूं की यूटिलाइज कर रहे हैं, ठीक है, बट कुछ जिहड़े सोर्स ने जिवें हुण मोबाइल हो गया लैपटॉप चार्जिंग हो गया इत्थे आपां उस हीट नूं की यूटिलाइज नहीं कर रहे, ठीक है, कुछ दे विच जिहड़े आपां यूटिलाइज करते हैं जिवें इलैक्ट्रिक हीटर दे विच, ठीक है। हुण इत्थे आपां की इहदी डेरीवेशन करांगे, कंसीडर अ करंट आई फ्लोइंग थ्रू अ रजिस्टर ऑफ रजिस्टेंस आर। हुण इत्थे की है करंट आई फ्लो कर रहा है इस रजिस्टर्स दे विचों, ठीक है, लैट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट बी बी। हुण पोटेंशियल डिफरेंस किन्ना है वी है, ठीक है, लैट टी बी द टाइम ड्यूरिंग विच अ चार्ज क्यू फ्लोज थ्रू इट।
हुण टी की है टाइम है जिदे की है चार्ज की है फ्लो हो रहा टी टाइम दे विच चार्ज क्यों फ्लो हो रहा ठीक है द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस इज वी क्यू हूँ वर्क डन आप देखो पहला पढ़िया सी वर्क पोटेंशियल डिफरेंस है जोड़ा वो की है वर्क डन टू मूव अ चार्ज थ्रू वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट यही आप पढ़िया सी ना वो पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन आप की पढ़ी सी वर्क डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ठीक है ये आप की पढ़ी सी पोटेंशियल डिफरेंस की आप की है डेफिनेशन पढ़ी सी तो इतों वर्क डन कि होजूगा वी इंटू क्यू ठीक है वर्क डन कि होया वी इंटू टू क्यू हो गया ठीक है हूँ देखो इतने की है वर्क डन ठीक है हूँ आप पावर पावर की होंगे पावर वर्क डन इन पर यूनिट टाइम पावर की होंगे वर्क डन पर यूनिट टाइम पावर की डेफिनेशन वर्क डन पर यूनिट टाइम हूँ इतने डबल्यू की वैल्यू पुट कर दो वी क्यू ओवर टी ठीक है देखो वी क्यू ओवर टी आप पढ़िया होया एक ही सी आई इज इक्वल टू क्यू ओवर टी आप पढ़ी सी ठीक है ये फॉर्मूला पढ़िया सी हूँ इतने आप बी ओवर क्यू ओवर टी नू आप की आई दे रिप्लेस कर देंगे वी इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू वी आई ठीक है ये फॉर्मूला बन गया अपने को एक ठीक है हूँ अगर आप पी है पी नू टी दे नाल अगर आप मल्टीप्लाई कर दिए तो इस दोनों साइड पर इधर भी हूँ ए पी इंटू पावर इंटू टाइम है जी अपनी की फॉर्मूला है एनर्जी का ठीक है एनर्जी हीट भी एक एनर्जी है ठीक है इन्हें आप कह सकते हैं हीट हीट भी एक तरह की एनर्जी है ठीक है पी इंटू टी की है हीट का फॉर्मूला पी इंटू टी पावर इंटू टाइम ठीक है हीट का फॉर्मूला हो गया ठीक है हूँ इतने देखो वी आई टी ठीक है हूँ अपन ओम्स लॉ पता है ओम्स लॉ का फॉर्मूला की सी वी इज इक्वल टू आई आर ठीक है वी इज इक्वल टू आई आर हूँ इतने आप इतने वी की वैल्यू पुट कर देंगे एच इज इक्वल टू आई आर आई इंटू टी हूँ देखो आई इंटू आई की हो गया आई स्क्वायर हो गया बेस सेम है तो पावर एड होके की स्क्वायर हो जानी है आर इंटू टी ए की है हीट का फॉर्मूला ठीक है इस हीट नू आप की कहांगे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इस फॉर्मूला नू आप की कहांगे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग लॉ ऑफ हीटिंग क्यों क्योंकि केड़े साइंटिस्ट द्वारा इन डिस्कवर किया गया सी जूल्स ठीक है इसलिए उसके नाम से यदा की है लॉ का नाम रख दिता गया जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग ठीक है ये फॉर्मूला हो गया अपने को एक फॉर्मूला की से अपने को एक फॉर्मूला है दो फॉर्मूला पता चल गया अपन ठीक है हूँ देखो इतने हीट का रिलेशन देखो हीट है जोड़ा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ आई स्क्वायर दे ठीक है हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम ठीक है हूँ इन्हों की डायरेक्टली रिलेशन है हूँ इनू आप की आप प्रैक्टिस इस जूल्स लॉ तो अपन की पता चलिया हीट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट जिन्ना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा उन्नी ज़्यादा की हीट प्रोड्यूस होगी ठीक है हूँ हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ठीक है जिन्नी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी ठीक है जिन्नी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी मीनस रुकावट जिन्नी ज़्यादा होगी उन्ना ही की होगा इलेक्ट्रॉन्स ने जेड़े देखो हूँ किसी भी चीज़ को आप रोक दें ठीक है इतने की कंटीन्यूसली इलेक्ट्रॉन्स जा रहे थे बट इतने की रेजिस्टेंस की होगी ज़्यादा होगी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो इतने इलेक्ट्रॉन्स जोड़े कंटीन्यूसली फ्लो कर रहे थे हूँ इलेक्ट्रॉन्स की आपस के कोलाइड करन लग जाएंगे हूँ जिन्ने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड करेंगे उन्नी ज़्यादा की होगी हीट प्रोड्यूस होगी क्योंकि कोलीजन की है जो तो एक दूजे के टकराएंगे तो उत्थे की हीट जनरेट होगी हूँ इतने रेजिस्टेंस बधी रुकावट बध गई मीनस उन्हें इलेक्ट्रॉन्स नू रोकना स्टार्ट करता हूँ इतने इलेक्ट्रॉन्स रुकनगे तो इलेक्ट्रॉन्स की आपस के टकराएंगे कोलीजन होगा तो हीट जनरेट होगी ठीक है इसलिए हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस है ठीक है टाइम का की सी अगर तुम चार्ज फॉर एग्जाम्पल तुम मोबाइल चार्ज कर रहे हो ठीक है
मोबाइल तुसी 5 मिनट लिए चार्ज कर रहे हो, एक तुसी की 2 घंटे लिए चार्ज किया। पहला तुसी 5 मिनट लिए जो मोबाइल चार्ज करोगे उदो तुसी टच करके देखो मोबाइल नू जा चार्जर नू तुसी टच करोगे तो तुहानू कोई हीट उत्थे फील नहीं होगी। ठीक है, अगर तुसी 2 घंटे लिए जा 3 घंटे लिए लगातार मोबाइल चार्ज करोगे तो तुसी अपने चार्जर नू टच करके देखो तो मोबाइल नू टच करके देखो तो तुहानू की है हीट फील होगी। ठीक है, इसलिए की है ये की है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम है। ठीक है, ज़्यादा टाइम लिए 4-5 घंटे लिए करोगे तो होर ज़्यादा हीट जनरेट होगी तो होर ज़्यादा फील होगी थोड़ा हीट। ठीक है, इसलिए हीट है जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम है। रेजिस्टेंस का अपन पता चल गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किवें है। ठीक है, करंट देगी है जिन्ना ज़्यादा करंट फ्लो करूगा। ठीक है, जिन्ना टाइम तुसी उन्हों लगा के रखोगे उन्ना ज़्यादा करंट फ्लो करूगा, उन्ना ज़्यादा करंट फ्लो करूगा तो उन्नी ज़्यादा की होगी हीट प्रोड्यूस होगी। ठीक है, ये तो पता चल गया थानू। हुण आपां की इहदे कुछ नमेरिकल्स ने जिहड़े आपां करांगे। ठीक है, देखो नमेरिकल्स की है। फर्स्ट नमेरिकल है जिहड़ा एन इलैक्ट्रिकल आयन कंज्यूम्स द आयरन कंज्यूम्स द एनर्जी एट अ रेट ऑफ 840 वॉट वैन हीटिंग इज एट मैक्सिमम रेट 360 वॉट वैन द हीटिंग इज एट द टाइम मिनिमम एट द मिनिमम एंड द वोल्टेज इज 220 वोल्ट वट आर द करंट इन द रजिस्टेंस इन ईच। हूँ इतने आपको वोल्टेज दिती हुई है, करंट तो रजिस्टेंस आप देखनी है। देखो वॉट है ना जी, एक एनर् यूनिट आ वॉट पावर की यूनिट है। ठीक है, पावर की यूनिट की होगी वॉट होगी। ठीक है, पावर की यूनिट की है वॉट है। ठीक है, हुण आपां नूं एक तो इलैक्ट्रिक आयन दिता हुआ है जिहदी रेट किन्नी दिती हुई है 840 वॉट दिता हुआ है। ठीक है, तो वैन हीटिंग इज़ एट अ मैक्सीम, जो हीटिंग की है मैक्सीम रेट के उत्ते बहुत ज़्यादा हीटिंग हो रही है। ठीक है, उदो कि दिती हुई है 840। ठीक है, 360 वॉट कदों दिती हुई है जो हीटिंग इज़ एट अ मिनीम, जो हीटिंग की है बहुत थोड़ी है एट मिनीम लैवल। ठीक है, लो लैवल के उत्ते उदों पावर की यूनिट कि 360 वॉट, जो कि ज़्यादा हैगी उदों की दिती हुई है जो हीटिंग मैक्सीम उदों की वॉट की वैल्यू दिती हुई है, पावर की वैल्यू दी हुई है 840। देखो हम इतने आप करंट की है रेजिस्टेंस देखना है। पहला तो आप पावर का फॉर्मूला पता आप डराइव किया वी इंटू आई दस द करंट। इतों करंट की वैल्यू कितनी आ जूगी, देखो वी पी आई है तो इतों करंट आप आजगा पी ओवर वी। ठीक है, इन्ना आ गया। हूँ हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इज़ एट अ मैक्सीम रेट, हीटिंग जो कि बहुत मैक्सीम है। ठीक है, तो उदो कि दिती हुई है 840, तो 840 डिवाइडेड बाय वोल्टेज कि दिती है 220, उत्थे करंट आपां नूं पता चल जूगा तो उत्थे ही आपां की है रेजिस्टेंस पता करांगे। हुण आपां नूं करंट पता चल गया तो रेजिस्टेंस पता लग जूगी, वोल्टेज आपां नूं दिती हुई है 220, आई वी इज इक्वल टू आई आर सी फॉर्मूला, तो आर इज इक्वल टू वी ओवर आई। ठीक है, वी कि दिती है 220, करंट की वैल्यू हम आप इतने क्ढ़ी सी 3.82, तो उतों अपन रजिस्टेंस पता चल जूगी। ठीक है, जो हीटिंग इज़ एट अ मिनीम रेट, हीटिंग की है लो लैवल के उत्ते, हीटिंग की है मिनीम रेट के उत्ते, उदो अपन 360 वॉट दिती हुई है तो अपन 220 उतों करंट पता चल गया तो उतों रजिस्टेंस पता चल जूगी। ठीक है, ईच केस के करंट भी पता चल गया, ईच केस के रजिस्टेंस पता चल गया, यही अपन उन्होंने कहा से। ठीक है, नैक्सट नमेरिकल की है 100 जूल ऑफ हीट इज़ प्रोड्यूस ईच सैकेंड। ठीक है, हर एक सैकेंड के 100 जूल ऑफ हीट प्रोड्यूस हो रही है, किन्नी हीट की यूनिट। देखो पावर की यूनिट आपको पता चल गई किन्नी है वॉट, वॉट है पावर की यूनिट याद रखना। ठीक है, हीट की यूनिट हैगी है जूल, हीट की यूनिट की है जूल। ठीक है, मैं तुम्हें उत्थे दसना भूल गई, हीट की यूनिट जूल है, पावर की यूनिट की है वॉट है। ठीक है, हुण 100 जूल ऑफ हीट इज़ प्रोड्यूस्ड, 100 जूल ऑफ हीट प्रोड्यूस हो रही है हर एक सैकेंड दे विच इन अ 4 ओम रजिस्टेंस। किहड़े रजिस्टेंस किन्ना 4 ओम रजिस्टेंस दे विचों हर एक सैकेंड दे विच 100 जूल ऑफ हीट जिहड़ी प्रोड्यूस हो रही है। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर, हुण आपां वी फाइंड करना। देखो हुण इत्थे तुहानूं हीट की वैल्यू दिती हुई है किन्नी 100 जूल। ठीक है, रजिस्टेंस 4 ओम। ठीक है, तो तुहानूं वोल्टेज आपां फाइंड करनी है। ठीक है, देखो की सीगा हीट का फॉर्मूला, आई स्क्वायर
आर इंटू टी यही सी ना। ठीक है, हम आप इतने की पता करना आई पता इतने आप करना पोटेंशियल डिफरेंस वी आप की फाइंड करना। वी किमें पता चलूगा अगर अपन करंट पता, देखो हम इतने हीट की वैल्यू 100 जूल, आई स्क्वायर अपन दिता नहीं, आर की वैल्यू किन्नी दिती हुई है 4 ओम, टी टाइम अपन दिता हुआ है 1 सैकेंड, ईच सैकेंड हर एक सैकेंड दे विच हो रहा ना 1 सैकेंड दिता हुआ है टाइम। ठीक है, 100 डिवाइडेड बाय 4 ठीक है इज इक्वल टू आई स्क्वायर। ठीक है, आई तो इतने की आजगा 4 डिवाइडेड बाय जो आप 100 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो 25 आजगा, आई नू आप उधर जाके की स्क्वायर रूट हो जूगा, स्क्वायर रूट कितना होता है 25 द स्क्वायर रूट 5, इतने अपन करंट की वैल्यू पता चल लग गई 5 एम्पीयर। हुण आपां नू वी पता करना है, आपां पोटेंशियल डिफरेंस आर आपां नू पता है वी इज इक्वल टू आई आर हुंदा। ठीक है, हुण इत्थे आपां नू आई पता है 5, आर आपां नू पता है 4, तो वी कितना आ जू 20 वोल्ट। ठीक है, ये आपां फाइंड करना सी। ठीक है जी, पता चल गया। सब तो पहले आपां नू जूल अगर तुहानू दित्ता होया तो हीट हीट क्या होया था उत्थे कि 100 जूल तुहानू पता चल जूगी हीट दी वैल्यू है। ठीक है, 4 ओम तुहानू दित्ते होए, एक सैकेंड दे विच की है तुहानू टाइम दित्ता होया, तो उत्थे तुसी फॉर्मूला लगाओगे, फॉर्मूला लगाओगे फिर उत्थे सॉल्व करोगे तो आई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 है, तो स्क्वायर नू के उस साइड ते लेके जाओगे तो स्क्वायर रूट हो जूगा, तो आई दी वैल्यू आ जूगी, आई दी वैल्यू पता है तो तुहानू के पोटेंशियल डिफरेंस दी वैल्यू पता चल जूगी। ठीक है, इस तरह की फॉर्मूला लगा के तुसी वैल्यूज पुट करूँगी। ठीक है, आई होप कि आज का लैक्चर तुहानू हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलैक्ट्रिक करंट है जिहड़ा कि समझ आया होगा। ठीक है, कल नू हुण आपां करांगे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। ठीक है, अज आपां सिर्फ उहदा कि फॉर्मूला देखिया तो हीटिंग इफेक्ट किवें हुंदा की हुंदा वह देखिया, कल नू इहदियां आपां कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशनस देखांगे। ठीक है, डेली लाइफ दे विच आपां की करदे हां, एक आपां पढ़ांगे इलैक्ट्रिक पावर ते की है इलैक्ट्रिक पावर दी यूनिट देखांगे। ठीक है, कल अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी, थैंक यू।